तो थोड़ी ऐसी भी आप लोगों ने मस्त कर दिया। बड़ी अच्छी कृपा है कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, हमें बड़ी खुशी है। भगवान आप शुभ कामना हो। बाबा जी वही गा रहे थे सिया के हरनवा में रोए रघुराई। बाबूजी देखिए सतयुग में हरिश्चंद्र दानी थे और त्रेता में राम की ये कहानी बाबा जी गा रहे थे सतयुग में सिया के हरनवा में रोए रघुराई। तो ये त्रेता में बात थी लेकिन सतयुग में बाबा गा रहे। तो राजा बुलाए कहन बाबा एक बात बताओ तू क्या गाता है। कहन यही होगा आपके यहाँ अयोध्या में जो मैं गा रहा हूँ यही होगा। सतयुग में गा रहे थे त्रेता की बात। ये संतों की महिमा है बाबू, इसे समझना होगा आपको। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। बाबू जो गुरु करता है वो होता है, करता मतलब दुनिया का मालिक, जो नहीं कर सकता उसे गुरु करता है। और सुनिए आप लोग अपने गुरु को कभी मनुष्य मत जानिए। जो गुरु को मानुष कर जाने सो नर निर्भाग्य ने आने। कहानी सुन लो। बाबा जी आ गए बैठ गए। राजा बोले बाबा कल मना किया था कि यहाँ भीख मत मांगने आना और तुम फिर आ जा गए सिया के हरनवा में रोए रघुराई कह रहा है। कह यही होगा राजा। कह मंत्री जी ये बाबा नहीं मानेगा इसे जेल में बंद कर दो। मंत्री जी आदेश का पालन किए बाबा जी को ले गए जेल में बंद कर। और जेल में बंद कर दिए तो थोड़ी देर के बाद राजा का हुक्म हुआ कि बाबा के ले जाओ ही जेल में खाना खिला। हमारे अयोध्या नगरी की बदनामी होगी इसलिए ये भीख नहीं मांगना चाहिए लेकिन मान नहीं रहा है कोई खाना खिला दो। मंत्री जी खाना लेके जेल में गए। बाबू जब खाना ले गए तो बाबा जी बोले कि हे राजा मंत्री तेरे राजा का भोजन नहीं करूंगा, तेरा राजा पापी है, हमें जेल में डाल दिया, मेरा कौन कसूर है, हम भिखारी हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, हम चुटकी भीख नहीं मांगते, हम तो भारी भारी दान मांगते हैं जब जरूरत पड़ती है, हम भिखारी नहीं है, हम तो अलग से जगा रहे थे और बंद करा दिया, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा, ले जा। बाबू मंत्री खाना लेके चले आए राजा के सामने रखे, कहन हुजूर ये बाबा खाना नहीं खाया आपका क्यों, कह रहा है राजा पापी है, मैं उसका यहाँ का भोजन नहीं करूंगा और वो हमें गलत ढंग से बंद कर दिया है। राजा बोले ए बाबू थोड़ा भाग दौड़ कम करो यार। राजा बोले कि कोई बात नहीं, चार छह दिन बीते गए अन्न खुद ही मना लिए, जब ये जरई लागी ना तो अपने आप मांग के खाई पड़ा रहा जो दूचारू। बाबू बात तो सही है कि जब ये पेट जरई लागी तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है कि भोजन मिलना चाहिए। और यही बात मंत्री जी से कहे कि सात आठ दिन भोजन ही नहीं भिजवाए और सात आठ दिन भोजन ही नहीं भिजवाए तो राजा साहब बोले कि मंत्री जी देखिए बाबा का क्या हाल है। और जब गए तब मुस्कुराता हुआ बैठ रहा था बाबा, उसके चेहरे पे कोई शिकम नहीं थी। राजा से जाकर मंत्री जी बताए कि राजन वो तो बड़ा मस्ती से बैठा हुआ है, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं। हम बोले तो कहें जा तू चला जा मुझे चाय जितना दिन बैठा है। राजा बोले मंत्री जी देखो रात हो कि कुछ खाता होगा ऐसे तो नहीं सकती।